मौज़े रिजवी कहते हैं, और जिसको हम लोग इंग्लिश में म्यूज़ियम कहें, जो भी यहाँ पुराने जो हैं चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम जाके देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इनके टिकट खिड़की है ये सामने, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेकर आइए, वहाँ का 50,000 का जो नहीं टिकट दे दिए, ईरानियों के लिए 10,000 है, खारजियों के लिए 50,000 है। ये मेन गेट की एंट्री है, यहाँ से होते ही जो है दाएं बाएं इनके काउंटर्स हैं, काउंटर्स में जो है टिकट चेक करते हैं। ये टिकट आधा काट के जो है उन्होंने दे दी है। अब हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिर्फ पुराने नुस्खे वगैरह पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इन तमाम चीज़ों को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हजार चीज सौ ये पुराने ज़माने के इनके जो है बर्तन हैं, इसकी हिस्ट्री लिखे हुए हैं यहाँ इसमें। इंग्लिश में भी लिखे हैं, फारसी में भी लिखे हैं।
पसंद आ गया इनका म्यूज़ियम आप लोगों को? बहुत अच्छा है। क्या क्या चीज़ें हैं अंदर हैं? सही। इसमें कुरान के वो नुस्खे भी है जो आइमा अलैहिस्सलाम के दौर में लिखे गए हैं। देख लिया आप लोगों ने? चले मैं ज़रा ये वो तस्वीर है जो करबला मोहल्ला के यादगार आइमा अलैहिस्सलाम के। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नहर फराज जाने के जो है शबी बनाए यहाँ से इनका मंजर पेश किया है। ये करबला के मशीक की जो है कुछ तस्वीर उन्होंने आवेदा की है। ये पुराने जो है जरी की तस्वीर है जिसमें मंजर कशी किया करते थे। ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुराने दौर में किस तरीके से लोग करते थे उनकी एक तस्वीर है। ये करबला के पुराने दौर की जो है एक तस्वीर आवेदा की उन्होंने। इसमें मौज़े तारीख़ हरम रिज़वी भी है दोनों तरफ। एक साइड से जो है पैर स्टार्ट लेते हैं। हाँ ये देखिए इनकी तारीख लिखी हुई है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पुराने मुस्लिम। जितने भी खताती की हैं यानी लिखाई की है मुख्तलिफ उसमें ये सब जो है इसमें उन्होंने लगा चुके हैं। उनकी हिस्ट्री भी हम फोकस करते हैं। हिस्ट्री लिख चुके हैं। और इनके पुराने ज़माने के जो चीज़ें हैं वो रखते हैं इस कानून में। ये कैंची है इनके पुराने ज़माने में किस टाइप की कैंचियाँ थी। इससे ये अंदाज़ा होता है कि पुराने ज़माने में इनके पास किस टाइप के नक्काश थे कारीगरी किस टाइप की थी। फानूस वगैरह पुराने ज़माने के ये इनकी हिस्ट्री है इंग्लिश में भी है अरबी में भी है। इसके बाद के जो फानूस इनके यहाँ आए जिस तरह हमारे यहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का पंजा बनाते थे उस तरह पहले ज़माने में उन्होंने इस टाइप का पंजा बना चुका। आगे जाते हैं और उनके जो है पुरानी चीज़ें जो रखी हुई हैं
ये ज़रिए मुबारक है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो है ये पुराने ज़माने के ताले हैं, किस तरीके के ताले जो हैं बनाए करते हैं। जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हद में इस्तेमाल हो चुके हैं, ये उनकी चाबियाँ हैं। यहाँ इनकी हिस्ट्री है। ये इनके चाय के जो सामान हुआ करते थे वो इसमें इनके बर्तनों के वो हिस्ट्री होती है। मैं हिस्ट्री को फोकस इसलिए करता हूँ कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़े ताकि किस दौर के हैं खुद अंदाज़ा आ जाएगा। मेरे टाइम की किल्लत की वजह से ये जाली है आराम से पुराने ज़माने की। और ये जो है ज़रिए मुबारक है जो पहले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उसमें बना चुके थे पुरानी ज़रिए। यहाँ ये तस्वीर है ये वो वाला गेट है जिसमें जो है शेख भाई ने रोज़ा लटकाया था। Thank you.
इस पत्थर पर नक्काशी है। ये मेंबर है पुराना वाला। ये इनकी वो चीज़ें हैं जो उसमें निकालते हैं आश्रय में। वो दरवाजे जो पहले इस्तेमाल जितने भी दरवाजे इस्तेमाल में थे पहले उनको यहाँ कदीमी आसार में रख चुके हैं। तो तीन मंजिला है, एक ग्राउंड है, एक बेसमेंट है, एक के ऊपर पहले मंजिल में है। यहाँ इनके मंजिल समंदरी चीज़ें जानवरों की ओर रखी उन्होंने।
बस वाणी कौसरा सुन कौन आदम के खाली आल सर ठीक है वीडियो से नाव सर बोलिया चाशन चाशन इंशाल्लाह मजरत तू अच्छा अच्छा बस बस तो आधे मैं मुंह रोक Thank you.
हैं।